MI11 एंड MI11 Pro एक ट्रू फ्लैगशिप सीरीज होने वाली है और ऐसा पहला स्मार्टफोन होगा जो स्नैपड्रैगन 888 पे आएगा। अब पता नहीं लोगों को क्यों इतनी चूल मची हुई है, नीचे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते रहते हैं कि पहला स्मार्टफोन कौन सा होगा जो स्नैपड्रैगन 888 पे आएगा, मतलब उससे क्या फर्क पड़ जाने वाला है। अगर आपके पास ऑलरेडी मार्केट में स्नैपड्रैगन 865 प्लस वाले फोन है तो उससे स्पीड क्या ज्यादा आ जाएगी, बहुत ऐसे पहाड़ तोड़ थोड़ी ना आ जाएगी, थोड़े बहुत फर्क पड़ेगा जो डे टू डे लाइफ में पता भी नहीं चलेगा। हमको Xiaomi का एक और फोन देखने को मिला था कुछ महीनों पहले, MI10, जो एक ट्रू फ्लैगशिप स्मार्टफोन था। लेकिन Xiaomi की जो टैगलाइन बन चुकी है कि ये हमको एंट्री लेवल में और बजट लेवल में फोन प्रोवाइड करती है, तो उसके फोन को मतलब यार 25-30 हज़ार से ऊपर खरीदना मतलब एकदम अजीब सा लगता है और लोग खरीदना भी नहीं चाहते। अगर आप खरीदना चाहते हो तो नीचे लिख के बताना कि Xiaomi के फोन के लिए आप 50 या 60 हज़ार दे सकते हो क्या। जो MI अल्फा आया था उनको किसी को छूने भी नहीं दिया था और उनको पता था कि अगर इसको इंडिया में लेके आया जाए तो 1 लाख से ऊपर का फोन तो अनबिलीवेबल हो जाएगा कि इंडिया में कोई ले रहा है Xiaomi का फोन। लेकिन अभी Xiaomi का MI11 एंड MI11 Pro आने वाला है जो 28 दिसंबर को ग्लोबली लॉन्च होगा। ये भी एक ट्रू फ्लैगशिप स्मार्टफोन है और इसमें स्नैपड्रैगन 888 आएगा और इसी के साथ बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो एप्पल से डायरेक्टली कॉपी कर ली गई है। इसका मैं वीडियो में आपसे पूरी तरीके से बखान करने वाला हूं, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपको वीडियो को लाइक कर देना है और उसके बाद अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरा नाम है अरविंद और आप देख रहे हैं टेक मास्टर। चैनल को करो सब्सक्राइब और उसी के साथ कर लो बेल आइकन को प्रेस। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले तो मैं आपसे चाइना की बात करूं तो यहां पे दोनों सीरीज लॉन्च होने वाली हैं। इनका जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है सैमसंग, उसकी सैमसंग गैलेक्सी S21 सीरीज हमको देखने को मिलेगी और ये कैमरा में इस बार बहुत कमाल होने वाला है। इनके प्री ऑर्डर ऑलरेडी चाइना में स्टार्ट कर दिए हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि जो MI11 है उससे उनके सेल्स टूटे, और वहीं MI11 को भी उससे पहले इसीलिए लाया जा रहा है कि उनके सेल सैमसंग की वजह से ना टूटे। तो बेसिकली दोनों सीरीज ही अपने आप में काफी बड़ा टक्कर देने वाली है, लेकिन उससे आधी प्राइस रेंज में हमको देखने को मिल जाएगी MI11 सीरीज। तो सबसे पहले मैं आपसे इसी MI11 सीरीज की बिल्ड, लुक एंड डिजाइन की बात करूं तो आगे की तरफ हमको पंच होल देखने को मिलेगा और इसी के साथ वो वॉटरफॉल वाली डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है जो काफी कमाल देखने में लगती है, और इसी के साथ स्क्वायर कटआउट में हमको देखने को मिलेगा MI11 का कैमरा जहां पे ट्रिपल रेयर कैमरा का सेटअप देखने को मिल रहा है, और वहीं रेक्टेंगुलर कैमरा कटआउट देखने को मिलेगा हमको MI11 प्रो में जहां पे हमको क्वाड रेयर कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा। मतलब लुक वाइज ये ऐसा स्मार्टफोन बनाया गया है जैसा हमको आज तक इंडस्ट्री में नहीं देखने को मिला है, तो ये काफी कमाल की चीज बन जाती है अगर मैं आपसे बैक कैमरा कटआउट की बात करूं तो। वहीं बैक में ग्लास देखने को मिलता है, एल्यूमिनियम फ्रेम्स हैं और देखने में ये पूरी तरीके से एक ट्रू फ्लैगशिप वाली फील देता है। और अब आपसे बात करूं मैं डिस्प्ले की, यहां पे ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी एक्सपेंसिव कंपोनेंट होता है। अक्सर यहां पे कंपनियां ना थोड़ा सा ऐसे कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश करती है, जैसे MI10T सीरीज में की गई है, सब में हमको IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिली है लेकिन उसी के साथ 144Hz की हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाती है। लेकिन जो सुपर एमोलेड डिस्प्ले वाला पैनल होता ना वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है एज कंपेयर टू IPS LCD के। तो जो हमको MI11 प्रो होगा उसमें 6.76 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी और इसी के साथ 120Hz की हायर रिफ्रेश रेट, और ये क्वाड HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ आने वाला है 1440p पे, तो ये अपने आप में काफी कमाल की चीज बन जाती है। और इसी के साथ 2D फेस अनलॉक और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी हमको देखने को मिल जाएंगे, और जो स्क्रीन होगा वो चारों तरफ से कवर्ड होगा, तो ये देखने में और कमाल लगने वाला है। और इसके बाद मैं इसकी ताकत की, इसके प्रोसेसर की बात करूं तो ये जैसे रियलमी हमेशा के लिए बोलता है ना वर्ल्ड फर्स्ट, Xiaomi भी बोलता रहता है, तो ये अपने साथ ये वाली टैगलाइन हमेशा के लिए जोड़ लेगा, स्नैपड्रैगन 888 वर्ल्ड फर्स्ट फोन। ये अपने साथ लेके आएगा LPDDR5 और UFS 3.1 बेस्ड स्टोरेज, तो मतलब प्रोसेसर भी कमाल का है, रीड राइट की स्पीड भी कमाल की देखने वाली है और स्टोरेज भी आपको काफी कमाल का देखने को मिलेगा, मतलब सारी चीजें ही बिल्कुल टॉप नॉच होने वाली हैं इसमें, चाहे गेमिंग करो मल्टीटास्किंग करो, मतलब ये मशीन काफी कमाल की होगी। और इसी के साथ हमको इसमें देखने को मिल जाएगा MIUI 12.5 और ये आएगा आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 पे, और इसी के साथ हमको 6GB 128GB और 8GB 256GB की स्टोरेज देखने को मिल जाएंगे, और हो सकता है कि हमको एक 12GB वाला वेरिएंट भी देखने को मिले। तो यहाँ पे बहुत बार ऐसी चीजें आ रही हैं, रूमर्स निकल के आ रहे हैं कि जो Exynos 2100 होगा ना वो इस बार स्नैपड्रैगन 888 को बीट कर देगा, और बहुत सारे ऐसे स्कोर्स भी निकल गए हैं जिसको देख के ऐसा लगता है कि बीट कर देगा, और कहीं ऐसी रिपोर्ट निकल के आ जाते हैं कि भाई अभी भी बीट नहीं कर पा रहा है। तो बेसिकली जो स्नैपड्रैगन 888 लगा हुआ है उसके अंतुतु बेंचमार्क स्कोर निकल के आते हैं ऑलमोस्ट 7,40,000, और ये बहुत कमाल का होता है, मतलब
मतलब फोन में इतनी ताकत का करना क्या है, बट स्टिल इतनी ताकत आपको देखने को मिलेगी इसी MI 11 सीरीज के साथ। और उसके बाद इसके कैमरास की बात करूं तो यहां भी कैमरास बिल्कुल हाईलाइट होने वाले हैं हमको। MI 11 में 108 मेगापिक्सल का ट्रिपल रेयर कैमरा देखने को मिलेगा, जहां ओबीसी बात है प्राइमरी सेंसर 108 मेगापिक्सल का होगा, उसके बाद अल्ट्रा वाइड और उसके बाद एक टेलीफोटो सेंसर देखने को मिलने वाला है। वहीं MI 11 प्रो जो है उसमें हमको 48 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी सेंसर देखने को मिलेगा, हमको सेंसर वो ओमनी विजन वाला सेंसर देखने को मिलेगा, ना कि HM2 और HM3 देखने को मिलेगा। और इसी के साथ 20 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड होगा, 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो होगा और उसके बाद हमको एक डेप्थ सेंसर भी देखने को मिलने वाला है, क्योंकि MI 11 प्रो अपने साथ क्वाड रियर कैमरा को लेके आता है। वहीं हमको 20 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाएगी दोनों ही फोन्स में। अब इनकी बैटरी की बात करूं तो ऑलमोस्ट दोनों की बैटरी हमको ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी ही सेम है। MI 11 में 4780 mAh की mAh की बैटरी है और वहीं जो MI 11 प्रो है वो हमको 4970 mAh की बैटरी के साथ देखने को मिलेगा। दोनों में हमको 55 वोल्ट की चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जो 0 to 100% कर सकती हैं ओनली 35 मिनट्स में, जो अगेन एक बहुत ही कमाल की चीज है, ये रूमर्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। और वहीं एकदम कंफर्म हो चुका है कि इस बार Xiaomi भी अपने बॉक्स में चार्जर नहीं देगा। मतलब एप्पल की कॉपी करो लेकिन कुछ दिनों बाद करो तो ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत खुद का भी इसमें है, लेकिन स्टिल एप्पल ने अपने 12 लाइनअप के साथ नहीं दिया तो तुरंत एक महीने बाद ही ये लॉन्च हो रहा है और इसमें भी नहीं दे रहे, तो ये तो सरासर कॉपी हो गई। और इसी के साथ हमको रिवर्स वायरलेस चार्जिंग और वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, और वायरलेस चार्जिंग हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी 30 वॉट की, बिल्कुल प्रो की तरह। और इसी के साथ हमको ड्यूअल स्पीकर देखने को मिलेंगे, वो भी हरमन कार्डन वाले, मतलब काफी कमाल का साउंड प्रोड्यूस करने वाले हैं। और इसी के साथ हमको देखने को मिलेगा इसमें NFC का सपोर्ट और IR ब्लास्टर। और अब आपसे बात करूं मैं इसके लॉन्च की, तो ऑलरेडी Xiaomi ने ये चीज कंफर्म कर दिया कि हमको 28 दिसंबर को देखने को मिलेगा इसका लॉन्च, और उसके कुछ टाइम बाद हमको इंडिया में भी देखने को मिल जाएगा। अब आपसे मैं इसकी प्राइस की बात करूं, जो MI 11 है ना वो हमको ऑलमोस्ट 50,000 की प्राइस में देखने को मिल सकता है, वहीं जो MI 11 प्रो है वो 65,000 के मिड में हमको देखने को मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू प्राइस एक कंक्लूजन की बात करूं तो सारे ही स्पेसिफिकेशन इसमें बिल्कुल लेटेस्ट डाले गए हैं, सब कुछ एकदम भरभर डालने की कोशिश की है। तो इतनी ही स्पेसिफिकेशन के साथ अगर हमको कोई सैमसंग का या फिर और किसी कंपनी का स्मार्टफोन देखने को मिलता है, और तो नहीं अगर सैमसंग का देखने को मिलता है, तो उसकी कीमत ऑब्वियस बात है 1 लाख से ऊपर चली जाती है। बट स्टिल इस फोन में हमको देखने को मिलेंगी इतनी सारी चीजें ऑलमोस्ट 60,000 के प्राइस में, तो यह एक काफी कमाल की चॉइस बन जाती है अगर आपको Xiaomi ब्रांडिंग के साथ 60,000 देना पसंद है तो। बाकी 2 दिन बाद पता चल ही जाने वाला है कि क्या कुछ खास होने वाला है। तो वैसे यार आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और उसी के साथ एज यूजुअल हैव अ फैंटास्टिक डे, और मैं मिलूंगा आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।